बाई चांस, नहीं तो वीकेंड पे मोस्टली वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री होते हैं, और इसलिए आज हम लोगों ने ऐसे ही आउटिंग प्लान बनाया है, ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन वीकेंड घूमने के लिए हमेशा बच्चों को लेके जाते हैं, तो आज भी हमारा प्लान है कहीं बाहर जाने का, लेकिन कहाँ ये हमें नहीं पता, देखते हैं अब हमें कहाँ लेके चलते हैं। तो चलो आप ही हमारे साथ घूम के आते हैं वीकेंड पे, फिर वापस आ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, सो हम हैं चाइना मार्केट, यहाँ की काफ़ी बड़ी सी मार्केट है और बच्चे भी हैं साथ में, तो हम सब ये डे स्पेशली इन्जॉय। सो दोस्तों, चाइना मार्केट के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले जो आपको मिलेंगे वो है कपड़ों की शॉप्स, बहुत सारी लेडीज़ फ्लोर लेंथ गाउन और बच्चों के बड़े अट्रैक्टिव ड्रेसेस थे वहाँ पे, बहुत ही प्यारे प्यारे बॉयज़ और गर्ल्स के, और लेडीज़ के जो गाउन थे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे देखने में ही अपने आप में, और बहुत सारी और ओमानी अबाया जो कि मुस्लिम लेडीज़ पहनती हैं फुल अबाया ब्लैक कलर, उसकी भी काफ़ी सारी शॉप्स थी यहाँ पे, और काफ़ी सारे ऑप्शंस थे कपड़ों में जो कि वैसे तो चाइना के हैं, कैसा मटेरियल है मैं ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, लेगिंग जीन्स और जो भी डिज़ाइनर कपड़े हैं, नाइट सूट्स नाइट गाउन्स, इन सब की तरह तरह की बहुत सारी वैरायटी थी, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा था यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, और उसके अलावा बच्चों के बेबी बॉयज भी वहाँ पे खूबसूरत लग रहे थे, और लेडीज़ का मेकअप का सामान भी काफ़ी सारा अवेलेबल है, और मोबाइल केस भी। फिर मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव लग रहा था वो था ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और ये है होम डेकोर जो आपके घर की शोभा बढ़ा सकते हैं, रीज़नेबल रेट्स थे इसके, और तरह तरह की वैरायटी है बेडरूम के लिए और ड्राइंग रूम के लिए, डाइनिंग हॉल के लिए, आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं, ये मुझे बहुत प्यारे लगे। और ये है ओरिजिनल प्लांट्स, और पॉट्स तो इतने सुंदर थे जिसमें ये डाल के रखे थे, और रीज़नेबल रेट्स में थे, ये भी आप घर के किसी भी कॉर्नर में ओरिजिनल प्लांट्स रख सकते हैं जो घर के वातावरण के लिए भी बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही आप एंटर करेंगे वहाँ पे आपका नज़ारा कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, तरह तरह के इतने ब्यूटीफुल शैनले थे, काफ़ी कॉस्टली भी थे और रीज़नेबल रेट्स में भी थे, आप अपने घर के डेकोर और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे। मेरी तरह अगर आपका भी ड्रीम है मेरे बाथरूम में हो जकूजी टब, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, आप चेकआउट कर सकते हैं, तरह तरह के टैप के डिज़ाइन भी। गार्डन की हर तरह की एक्सेसरी बहुत ही ब्यूटीफुल थी यहाँ पे, घर के लिए जिसका गार्डन बहुत बड़ा है उसके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और नॉर्मल रेंज में भी हैं और हाई रेंज में भी हैं, और बहुत ही प्यारे थे। यहाँ पे झूले भी हैं जो गार्डन में रख के आप झूल सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। सावन के झूले जैसे झूले जाते हैं उस तरह का कुछ माहौल मैंने भी बनाया यहाँ पे, और इन्जॉय किया ये गार्डन का झूला, बहुत मज़ा आया। इसके अलावा है घर में यूज़ होने वाला हर तरह का फर्नीचर जैसे सोफ़ा बेडरूम सेट्स, और काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नॉर्मल रेंज में भी है ये भी, और ये भी काफ़ी हाई रेंज में भी है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं।
फर्स्ट फ्लोर में ही है ये खूबसूरत फूलों से सजा हुए रेस्टोरेंट एरिया, और यहाँ पे आपको हर तरह का फूड अवेलेबल है। लेबनीज, इजिप्शियन, इंडियन फूड, सूप की वैरायटी, जूस की वैरायटी और हनी केक आल्सो अवेलेबल हेयर। आप यहाँ पे मार्केट घूमते घूमते खाने का भी इंजॉय कर सकते हो। रेस्टोरेंट का नाम है नेसम। नेसम तमिल में मतलब है अफेक्शन, मुझे भी पहली बार पता चला। इंटरेस्टिंग। घर भी यहीं पे है ना? तो स्नेहा ने क्या मंगाया? मंचूरियन। या मंचूरियन। मंचूरियन, आई लाइक मंचूरियन, है ना? काव्या, व्हाट डू यू वांट? मैंने तो ऑर्डर किया है ये मिसा शर्मा। शर्मा, काव्या लाइक शर्मा। चाइनीज। सो वी आर गोइंग टू हैव व्हाट? मंचूरियन। मंचूरियन नान हियर। आज का डिनर हमारा यही होगा, है ना काबू? यस। तो अभी इनके लिए इनके पापा कुछ और लेने गए हैं, ये वैसे मेरा था, अभी ये लोग भी थोड़ा चोरी चोरी करके मेरे साथ खा रहे हैं दोनों चोर चोर। पापा ला रहे हैं ना आपके लिए? मेरा? हाँ, पापा ने मना कर दिया। मेरे इशारों को देखो पापा। तो हमारा आज का डिनर फाइनली घूम के आ गए आज हम चाइना मार्केट ऑफ मस्कट, जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे लगे होम डेकोर और काफ़ी सारी थी क्लोथिंग शॉप्स भी बहुत सारी थी, बच्चों के कपड़े और लेडीज़ के ही ज़्यादा दिख रहे थे, मेंस के ज़्यादा थे नहीं। और अनंत आज हमें लेके गए थे इस मार्केट में, मैं फर्स्ट टाइम गई थी लेकिन मेरा ओवरऑल इम्प्रेशन ठीक ठाक था, ओके था। पता नहीं अब मुझे वहाँ की आइटम्स कैसी हैं क्योंकि मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन देखने में अट्रैक्टिव लग रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बाई चांस वहाँ पे हमारा आज डिनर हो ही गया, रेस्टोरेंट की खूबसूरती पड़ी थी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख करके और अट्रैक्टिव सा लग रहा था सारा ओवरऑल मार्केट। तो बाकी आपने वीडियो में सारा देख ही लिया, तो चलिए इसी के साथ कुछ मंथ्स बैक ही ये ओपन हुआ है, पहले मैं भी नहीं गई हूँ, फर्स्ट टाइम जाके गई थी मैं। तो आज का ये था ओवरऑल, और आप बताना मुझे आपको कैसा लगा, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो ज़रूर कर लीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, और एक लाइक तो बनता है यार। और कमेंट करके बताइएगा आपको ये चाइना मार्केट कैसा लगा, ये हमारा आज का ब्लॉग। तो चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। सो बी कॉन्फिडेंट गाइज एंड बी स्टाइलिश। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच।